आज हमारे ईमान फातिमा की बर्थडे है और हम आए हैं दोबारा आज रमादा का में केक लेने के लिए, और आपको हम बताएंगे कि ईमान का केक कैसा लिया है। और देखिए आज शाम का टाइम है, 6 बज रहे हैं आई थिंक, तो बस ईमान की ख्वाहिश होती है कि बस मुझे रमादा का केक खाना है, इसलिए हम लोग रमादा आए हैं, क्योंकि मेरे ऑफिस के नियरेस्ट है इसलिए हम रमादा को पसंद करें ना भी हो, लेकिन मुझे रमादा ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ के केक बहुत बेस्ट हैं। यहाँ का केक आप खाएंगे, एक तो फ्रेश, दूसरा उसका टेस्ट जो है ना वो आला क्लास है। आप कभी ज़रूर इसको देखिएगा, ठीक है, और खाइएगा भी। बाकी केक तो आपको दिखाएंगे हम आप पहुँचेंगे लॉबी की साइड पे और केक रिसीव करेंगे, क्योंकि पहले हमने प्लान बनाया था कि हम कहीं जाके दूर किसी अच्छी जगह पे या रमादा में उसकी बर्थडे मनाएंगे, बट उसके पेपर हो रहे हैं और पेपर के दौरान जाहिर सी बात है हम कोई भी इवेंट्स जो है कि वो नहीं कर सकते। तो जब पेपर हो जाएंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर उसके बाद हम जो है प्लान तो हमारा क्रूज़ का है कि हम क्रूज़ पे जाके इसकी बर्थडे मनाएं, और इंशाल्लाह मनाएंगे भी, क्योंकि बच्चों से बढ़ के और उनकी खुशियों से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। आप लोगों से मेरी गुजारिश यही है कि आप अपने बच्चों को अपना फ्रेंड्स बनाएं, इसलिए कि ताकि आपके बच्चे जो है ना वो आपसे उनसे लोगों के बजाय आपसे ज़्यादा प्यार करें। प्यार ये नहीं कि वो प्यार होता है, प्यार से मुराद कि अपनी हर बात जो है ना आपसे शेयर करें। तो शेयर इसी तरह करेंगे, जाहिर सी बात है कि आप अगर उसके पार्टनर बनेंगे बच्चों के तो वो आपसे शेयर करेंगे, वरना बच्चे आपके आपके नहीं। आजकल आपको पता है कि मौसम कह रही हूँ कि इतना ज़बरदस्त वो है कि आप कह लें कि जैसे कि जिस तरह का दौर चल रहा है, आपको अपने बच्चों पे फुल तवज्जो देनी चाहिए और 100% उनकी हर ख्वाहिश का ख्याल रखें। जिस तरह वो चाहते हैं आप उनको थोड़ा सा टाइम दें। टाइम किस तरह दिया जाता है, जिस तरह आप उनकी छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखें, उनके साथ जो वो कहते हैं वो करें, जायज़ ख्वाहिशात। अभी हम अंदर जा रहे हैं, हम रमादा के अंदर अब हम केक रिसीव करेंगे। ये देखिए सारे बर्थडे केक्स हैं, हमने रिसीव कर लिया, ठीक है, और केक देख लें। अभी सरप्राइज़ है क्योंकि आपको अंदर से दिखा नहीं सकते जब तक कि ये ओपन ही हम करेंगे बर्थडे टाइम, ठीक है। तो रमादा से हमने केक परचेज़ कर लिया और अब हम जा रहे हैं केक लेके घर, फिर हम आपसे बाकी मुलाकात घर पे करते हैं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ ये मत समझे कि मैंने अल्लाह हाफिज़ कर दिया, क्योंकि यहाँ से हम लोग जा रहे हैं अब घर की तरफ, और अब हम लेंगे और कुछ छोटी मोटी चीज़ें ईमान के लिए लेनी है, फिर इंशाल्लाह गोइंग टू होम। ऊपर भाई देखते हैं कि ईमान किस तरह डेकोरेट कर रही है। लाओ लाजो जल्दी आओ, टेबल आप नहीं उठाओ, ऊपर है, अंदर आओ। भाई बिलावल कह रहा है मैं टेबल लेकर आ, बिलावल आप टेबल टेबल अंदर है बेटा। ये देखे भाई, ये बर्थडे तैयारियाँ हो रही हैं और ये बच्चा टेबल लेके आ रहा है। ओके ओके, ये फ्राइज आप पकड़े, ये फ्राइज तो पकड़े, अपनी फ्राइज आप पकड़े, चलो एक सेकेंड। देखते हैं बिलावल क्या कर रहा है और ईमान क्या कर रही है। और वाह, ये देखिए भाई, ईमान और अब्दुल्ला जो हैं पूरी तैयारी कर रहे हैं अपनी बर्थडे की। वाह अब्दुल्ला क्या खा रहे हैं आप?
नूडल्स भाई ये और ये देखिए बिलावल की चिप्स। बिलावल आप अब्दुल्ला एक मिनट हटे मुझे, चलो गुड। भाई साथ साथ बर्थडे की तैयारियां हो रही हैं और उसके साथ साथ नूडल्स खाई जा रही है। और अब्दुल्ला के लिए आज ये कोरियन नूडल्स है और बहुत ज़बरदस्त है। आज हम टेस्टिंग के लिए लाए और ये बिलावल की चिप्स है। बिलावल आप भी चिप्स खाएं जल्दी से। नहीं नहीं नहीं, नो अपनी नूडल्स में गिर जाए। चले भाई अभी हम केक के बाद आपको दिखाएंगे। ओके ओके। बिलावल किसकी बर्थडे? आपकी बर्थडे। ये तो मानो की है। तो आपकी कैप कहाँ है? कैप पहने तो फिर मानो को दे दो, जल्दी से दो। अभी नहीं। झूठ, वो तो रेडी हो रही है। बिलावल ऊपर को देखो। दाढ़ी तो मारो। चलो काटो उस वाली कुर्सी पे बैठ, आगे बैठो। हैप्पी बर्थडे टू यू। काटो लव काटो। मान बिलावल को खिलाओ और मान बिलावल को और खिलाओ। अल्लाह हाफिज़ बोलो। भाई बिलावर रो रहा है इसलिए हम लोग अल्लाह हाफिज़ बोल रहे हैं। बाय बाय।